ईदेन की नमाज वाजिब है, लेकिन सब पर नहीं, सिर्फ उन्हीं पर जिन पर जुम्मा फर्ज है। ईदेन की नमाज और जुम्मे में इतना फर्क है कि जुम्मे में खुतबा शर्त है और ईदेन में सुन्नत, और दोनों नमाजों का वक्त सूरज के एक नेजा बुलंद होने से लेकर जवाल तक है। मगर ईद उल फितर में कुछ देर करना और ईद उल अज़हा में जल्दी करना मुस्तहब है। इन नमाजों से पहले अजान और अकामत नहीं है और अदा करने का तरीका भी एक ही है। तो ये थी ईदेन की नमाज के बारे में। फिर अगली वीडियो में हम आपको नमाज ईदेन का पढ़ने का तरीका वो बताएंगे कि उसमें क्या नियत की जाएगी, किस तरह पढ़ी जाएगी वो बताएंगे। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, JSSR इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाएं कि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।